नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में जो हमारा दूसरा गद्य है जिसका नाम है ईदगाह, इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। ईदगाह उसका अर्थ है नमाज पढ़ने की जगह, जहां सभी मुसलमान लोग इकट्ठा होके नमाज पढ़ते हैं, तो उस जगह को ईदगाह कहा जाता है। तो इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद। अब प्रेमचंद जी के बारे में हम देखें तो उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था और उनका निधन 8 अक्टूबर सन 1936 में हुआ था। अब उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी, उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है उनके पास एक गांव है जिनका नाम है लम्ही, तो लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम था धनपत राय। अब प्रेमचंद जी ने हिंदी के अलावा उर्दू भाषा में भी अपना लेखन कार्य किया है, तो उसने उर्दू में जब वो लिखते थे तब उसका जो उपनाम था वो था नवाब राय, यानी कि नवाब राय के नाम से वो उर्दू में लेखन कार्य किया करते थे। और जब उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया तो हिंदी में उनका उपनाम था प्रेमचंद, प्रेमचंद जी के नाम से उन्होंने हिंदी में लेखन कार्य किया था। अब उन्होंने अभ्यास मैट्रिक है वो उसने उत्तीर्ण किया, यानी कि मैट्रिक तक उसने अभ्यास किया और उसके बाद अध्यापक बने, और किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग कर दिया। अब जो हमारे लेखक है प्रेमचंद, वो एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है, इसीलिए उनको उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। अब ये जो उपन्यास है, जो गोदान, वो प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनके अलावा भी उन्होंने अनेक साहित्य कृतियां दी है जिनमें कहानियों में मानसरोवर, जिनके 8 भाग है, 8 भागों में उनकी कहानियां संकलित हुई है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए उन्होंने जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। उसके अलावा प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। अब ये जो हमारा उपन्यास है, ये हमारी जो कहानी है ईदगाह, इसके बारे में हम चर्चा करें तो इस कहानी में एक बाल नायक है जिनका नाम है हामिद, और उनकी दादी है जो इस कहानी की नायिका की भूमिका निभाती है, उनका नाम है अमीना। एक हामिद है, वो एक छोटा सा बच्चा है और वो बहुत गरीब है, और वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। जब वो बहुत छोटा था तब उनके माता पिता दोनों की मृत्यु है वो हो गई थी, और अपनी दादी के साथ वो रहता है। तब ईद का त्योहार आता है, तो उस समय हम सभी जानते हैं कि ईद के त्योहार में कितनी चहल पहल होती है, सभी लोग वो मेले में जाने के लिए उतावले होते हैं। हम भी देखते हैं कि जब हमारा दिवाली का त्योहार आता है तो हम सब कितनी खुशियां मनाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, नई मिठाइयां घर में आती है, और चारों जगह रौनक ही रौनक हमें दिखाई देती है। तो इसी तरह यहाँ पे एक गाँव का वर्णन किया गया है कि हामिद और उनकी दादी जो अमीना है वो एक छोटे से गांव में रहते हैं और ईद का त्योहार आता है, तो सभी जगह बहुत चहल पहल हो रही है, लेकिन उनकी दादी है अमीना है वो दुखी है। आज ईद का दिन है और वो दुख मना रही है। क्यों दुख मना रही है? क्योंकि वो बहुत गरीब है, आज ईद का त्योहार है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और बच्चे को देने के लिए भी पैसे नहीं है। उनके बटुए में कुछ 4-5 पैसे है जो वो जो उनका बच्चा है हामिद उसे वो देती है, तो वो बहुत निराश हो जाती है। लेकिन हामिद वो इतना समझदार है कि वो अपनी दादी से कहता है कि आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं जो गांव के सारे बच्चे हैं उनके साथ जाके ईदगाह जाऊंगा, और
उसी के साथ वापस भी लौट आऊंगा। तो इस तरह से वो अपनी दादी को आश्वासन देता है और वो अपने सभी साथी मित्रों के साथ वो मेले में जाता है। तो उस समय उनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं है, लेकिन उस बात का भी उसको बिल्कुल अफसोस नहीं, बिल्कुल दुख नहीं है। फिर भी वो मानो के उनके पैर में पंख लग गए हो, इस तरह वो खुशी खुशी ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उनके जो दोस्त थे वो उनके साथ रहते, तो उनके सभी दोस्त वो मेले में जो चरखी होती है उसमें बैठते हैं, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खाते हैं और बहुत मौज मस्ती करते हैं। लेकिन हामिद है वो सोचता है कि इन सब से तो हमें थोड़ी ही क्षण की खुशी मिलेगी, लेकिन इन सब में मैं अपने पैसे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे ही थे। तो इस तरह वो सोचता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गरीबी है वो बच्चों को उम्र से ज्यादा बड़ा बना देती है। तो हामिद अपनी खुशियों का त्याग करके वो ऐसी चीज लेने के लिए तैयार हो जाता है जिससे उनके घर में उपयोगी भी हो और उनकी दादी है जो अमीना है उनको भी काम आए। तो वो चिमटा देखता है, तो चिमटा जब देखता है तो उसे वो सोचता है कि जब मेरी दादी वो रोटी बनाती है तो उनके हाथ है वो जल जाते हैं, क्योंकि उनके घर में चिमटा नहीं है, वो हाथ से रोटी पकाती है। तो वो चिमटा लेता है और फिर सोचता है कि जब मैं अपनी दादी को दूंगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी। तो इस तरह वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, अपनी सारी खुशियों का त्याग करके अपनी दादी के बारे में सोचता है। और इस तरह से हम देखें तो के उनकी जो भावना है उनके उनका जो अपनी दादी के प्रति। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस गद्य के बारे में पढ़ेंगे। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। अब रमजान, आप सब इन नाम से भी परिचित है कि रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद का त्योहार है वो आता है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर यानी कि सुंदर और सुहावना यानी कि रमणीय, ये सभी शब्दार्थ विद्यार्थी मित्रों आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अगर नोटबुक में नहीं लिखना है तो आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इस तरह से अंडरलाइन करके ऊपर उसका अर्थ है वो लिख सकते हैं। तो आज ईद का त्योहार आया है और कितना सुंदर और सुहावना वातावरण है। जो आज की सुबह है वो कितनी सुंदर और अच्छी है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाइयां दे रहा है। कि आज का जो सूर्य है वो कितना शीतल है, यानी कि सुबह का सूर्य हम देखें तो उनका जो प्रकाश होता है वो कितना शीतल होता है। तो आज का जो सूर्य है वो मानो कितना प्यारा और कितना सुंदर है, मानो सब लोगों को वो आज ईद की बधाइयां दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है कि जो पूरा गांव है वो ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो पूरे गांव में चहल पहल है वो दिखाई देती है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है कि सभी लोग वो रमजान के 30 रोजों के बाद कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो के ईदगाह जाने के लिए सभी लोग तैयार हो रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। कि किसी के घर में, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है और मान लो कि उनके घर में सुई धागा नहीं है तो वो पड़ोस के घर में जाके सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। अब कई लोगों के जूते कड़े यानी कि कठिन, जैसे मान लो के जूते कई बार हम नहीं पहनते हैं, ऐसे ही रखते हैं तो वो जूते है वो कड़क हो जाते हैं। तो उसे वापस से मुलायम करने के लिए कई लोग है वो तेली के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, जल्दी जल्दी बैलों को यानी कि बड़द, और सानी पानी यानी कि चारे की सामग्री, यानी कि बैलों को जल्दी से चारा भी दे देते हैं और उन्हें पानी भी देते हैं, क्योंकि जब वो सभी लोग ईदगाह से लौटेंगे तो उनको आते आते दोपहर का समय है वो हो जाएगा। तो उनका जो सुबह का
कार्य है वो सभी लोग जल्दी जल्दी पता पूरा करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, कि ईदगाह से लौटते लौटते शायद दोपहर का समय है वो हो सकता है। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, कि गांव से ईदगाह का जो रास्ता है वो 3 कोस का रास्ता है और बीच बीच में सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना। अब जब हम चल के कहीं जाते हैं तो हमें पता होता है कि कहीं हमारे जो साथी है, हमारे जो मित्र है, वो हमें मिलते हैं, क्योंकि आना जाना है वो लगा रहता है। तो इसी तरह जब हम ईदगाह जाएंगे तो कई लोग हमें रास्ते में मिलेंगे, तो उन्हें उनके साथ बातचीत करने में भी हमें रुकना होगा। तो इस तरह से एक तो 3 कोस का रास्ता है जो चल के जाना है और ऊपर से सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना होगा। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, कि इस तरह से दोपहर से पहले वापस गांव लौटना वो असंभव है, वो शक्य ही नहीं है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उन्हें ईदगाह जाने का मौका मिल रहा है। ईदगाह तो एक बहाना है, लेकिन ईदगाह में जो मेला होता है सभी बच्चे वहां पे जाने के लिए उतावले होते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को चरखिया है, फिर या फिर खिलौनों की दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकानें, ये सब बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो इस तरह सभी बच्चे हैं वो उतावले हो रहे हैं कि कब हम ईदगाह जाएंगे। तो लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। कि जो रोजे होते हैं वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग हैं वो रखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की बात की गई है, कि कई बच्चों ने 1 रोजा रखा है वो भी दोपहर तक, यानी कि आधे दिन का ही उन्होंने रखा है। किसी ने तो वो भी नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सबके हिस्से की चीज है, यानी कि वो लोग भी ईदगाह जाने के लिए बहुत खुश है, बहुत उतावले हो रहे हैं। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, कि जो रोजे रखते हैं वो रोजे किसके लिए है? बड़े और बुजुर्गों के लिए। बच्चों के लिए तो ये सिर्फ ईद का त्योहार है, इनके लिए तो ईद है। कि बच्चों के लिए तो ये क्या है? तो कि ईद का त्योहार है, उन्हें तो सिर्फ ईद के त्योहार की खुशी ही मनानी है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई, कि हर रोज वो ईद का नाम रटते थे, यानी कि कब ईद आएगी उनकी वो राहें वो देखते हैं, और आज फाइनली जो ईद का त्योहार है वो आ जाता है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब वो हामिद है, वो सोचता है कि इतने समय से हम लोग ईद की राह देख रहे हैं, और जब आज ईद का त्योहार आ ही गया है तो सब लोग ईदगाह जाने के लिए उतावले क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हामिद है, उन्हें सबसे ज्यादा उतावल है, क्योंकि वो ईदगाह जाए। तो वो सोचता है कि आज ईद का त्योहार आया है तो सब लोग क्यों नहीं जल्दी ईदगाह चल रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर यानी कि धन के देवता। तो वो सोचता है कि ये जो सभी लोग हैं उनके पास तो कुबेर का धन भरा हुआ है, यानी कि उनके पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, फिर भी ये लोग उतावले क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ईदगाह जाने की खुशी मनाऊं, लेकिन फिर भी मैं ईदगाह जाने के लिए इतना उतावला हो रहा हूँ। तो ये सभी लोग हैं वो क्यों नहीं जल्दी जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे भी हैं। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। कि उनके जो मित्र है वो क्या करते हैं कि बार बार अपने जेब में से पैसे निकालते हैं और फिर गिनते हैं कि उनके पास कितने पैसे हैं, उनके माता पिता ने उन्हें खर्च करने के लिए कितने दिए हैं, और फिर गिन के वापस अपनी जेब में रख देते हैं और फिर बहुत खुश है वो हो जाते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उनके पास 12 पैसे है। और अब हामिद है, उनका जो मित्र है उनका नाम क्या है? महमूद। महमूद गिनता है
एक दो दस बारह। अब महमूद के पास कितने पैसे है, तो के उनके पास 12 पैसे है। ये सभी आपको एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि महमूद के पास कितने पैसे थे या फिर मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो ये सब आपको अपनी बुक में नोट करना है। तो महमूद गिनता है एक दो दस बारह, महमूद के पास कितने पैसे थे, तो कि उनके पास 12 पैसे थे। मोहसिन के पास एक दो आठ नौ 15 पैसे है। अब उनका जो दूसरा मित्र है उनका नाम क्या है, तो के मोहसिन। तो मोहसिन के पास कितने पैसे है, तो के एक दो आठ नौ 15, उनके पास कुल 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। के इस तरह से पहले वो लोग क्या करते हैं, हामिद के मित्र, के जेब में से पैसे निकालते हैं, गिनते हैं, फिर खुश होकर वापस रखते हैं। क्यों खुश होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतने से सारे पैसों से हम अनगिनत चीजें लाएंगे और फिर उनके साथ खेलेंगे या फिर बहुत मिठाइयां खाएंगे। तो इस तरह से हामिद भी सोचता है कि इनके पास तो इतने सारे पैसे है और इन अनगिनत पैसों से वो अनगिनत चीजें है वो लाएंगे यानी कि खरीदेंगे, खिलौना, मिठाई, गेंद और जाने क्या क्या। कि उन पैसों से सभी बच्चे अलग अलग की चीजें है वो खरीद सकते हैं, यानी कि खिलौने खरीद सकते हैं, मिठाइयां खरीद सकते हैं, गेंदे खरीद सकते हैं और न जाने क्या क्या है वो खरीद सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। और इन सब में भी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन हमें दिखाई देता है, तो के हामिद, जो इस कहानी का नायक है। तो हामिद सबसे ज्यादा प्रसन्न है। अब हामिद कैसा दिखता है, तो के गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। अब हामिद है वो कैसा दिखता है, तो वो चेहरे से गरीब दिखता है, सूरत यानी कि चेहरा, कि वो चेहरे से गरीब दिखता है। उनका जो शरीर है वो कैसा है, तो के दुबला पतला है यानी कि बहुत सूखा हुआ उनका शरीर है। जिसका बाप यानी कि पिता, उनका बाप है वो गत वर्ष यानी कि गए साल हैजे यानी कि कोलेरा, वो एक बीमारी होती है, तो हैजे की भेंट हो गया था यानी कि कोलेरे की बीमारी उनके पिता को हुई थी और उनमें उनका निधन है वो हो गया था। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है कि जब वो छोटा सा था तब उनका जो पिता है वो हैजे की भेंट हो जाता है और उनके कुछ ही समय बाद उनकी माँ की मृत्यु भी हो जाती है। और आज हामिद है वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना है उनके साथ रहता है और उतना ही प्रसन्न है यानी कि उतना ही वो खुश दिखाई देता है जितना वो अपने माता पिता के साथ होता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिनका गोटा काला पड़ गया है। अब जो हामिद है उनके पास कुछ नहीं है यानी कि वो एक गरीब लड़का है, तो उनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं है। उनके सिर पे यानी कि उनके माथे पर एक पुरानी सी टोपी है जिनका गोटा काला पड़ गया है। गोटा आप सबने देखा होगा कि सुनहरे रंग का फूल आता है तो टोपी के ऊपर वो रखते हैं, तो वो जो गोटा है वो काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं है, नए कपड़े भी नहीं है, उनके सर पे जो टोपी पहनी है वो भी पुरानी है, फिर भी वो सभी लोगों से अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन का अर्थ क्या होता है, तो के बदनसीब। तो बदनसीब अमीना अपनी कोठरी यानी कि अपनी झोपड़ी या फिर उनका रूम, उसमें बैठकर रो रही है। क्यों रो रही है, तो कि आज ईद का दिन है और उनके घर में दाना नहीं है। कि आज ईद का इतना बड़ा त्योहार है, जैसे हमारे लिए दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, उसी तरह मुसलमान जो लोग है उनके लिए ईद का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो आज ईद का इतना बड़ा दिन है और उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं यानी कि एक दाना भी नहीं है। इस अंधकार
और निराशा में वह डूबी जा रही है कि इस तरह वो बहुत दुखी और परेशान हो रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी उनका अर्थ होता है दुष्ट, कि आज उनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है और हामिद को देने के लिए भी कुछ नहीं है। तो वो सोच रही थी कि ये इस ईद के त्योहार को किसने बुलाया था, क्यों आज ईद का त्योहार आया। अमीना का दिल कचोट रहा था, यहाँ पे मुहावरे का अर्थ होता है दिल कचोटना, यानी कि दुखी होना। तो आज अमीना है वो बहुत दुखी है कि आज ईद का त्योहार है और उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो मन में दुखी हो रही है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं कि गांव के जो सारे बच्चे हैं वो ईदगाह जाने के लिए तैयार है, पर सब लोग किसके साथ ईदगाह जाते हैं? तो कि अपने अपने बाप यानी कि अपने अपने पिता के साथ सभी बच्चे जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है कि उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, तो अमीना है वही उनके माता और पिता है, तो वो सोच रहे कि मैं ही उनके माता और पिता हूँ, उसे अकेले कैसे जाने दे। कि हामिद है वो बहुत ही छोटा है, तो वो सोचती है कि सभी लोग अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे है, तो वो हामिद को अकेले ईदगाह कैसे जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, कि यही अमीना है वो हामिद की चिंता करते हुए हमें दिखाई देती है। वो सोचती है कि इस भीड़ भाड़ की जगह में अब जहाँ पे मेला लगता है स्वाभाविक है वहां पे भीड़ भाड़ है वो रहती है, क्योंकि सभी आसपास के जो गांव है वो सभी लोग वहां पे इकट्ठा है वो होते हैं, तो इतनी भीड़ भाड़ की जगह में कहीं उनका बच्चा वो खो गया तो, ऐसा वो सोचती है। यहाँ पे अमीना का जो उनके बच्चे के लिए मातृ प्रेम है वो दिखाई देता है, वो उनकी चिंता करता है कि उस भीड़ भाड़ की जगह में कहीं वो खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी, कि नहीं इस तरह अमीना है वो उसे अकेले नहीं जाने दे सकती। नन्ही सी जान तीन कोस चलेगा कैसे, कि एक तो वो छोटा सा है ऊपर से पैदल जाना है तो वो इतना कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, यानी कि उन हामिद जो है उनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं है, और जब वो इतना चलेगा तो उनके पैरों में छाले है वो पड़ सकते हैं, तो वो ऐसा सोचती है कि उनके उनके पास तो जूते भी नहीं है तो उनके पैरों में छाले है वो पड़ सकते हैं। कुल दो आने पैसे बच रहे हैं, तीन पैसे हामिद की जेब में, पांच अमीना के बटुए में, कि अमीना है उनके पास कुल कितने पैसे हैं? तो कि उनके पास कुल दो आने हैं और दो आनों में से उन्होंने तीन पैसे हैं वो हामिद को दिए हैं और जो पांच पैसे हैं वो अमीना के बटुए में रखे हुए हैं। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, के यही बिसात यानी कि औकात, के अमीना की इतनी ही औकात है और आज ऊपर से ये ईद का त्योहार आया है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, यहाँ पे एक मुहावरा बनता है बेड़ा पार लगाना यानी संकट से बचाना, कि ये जो संकट की घड़ी आई है उससे अल्लाह ही उसे बचाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, कि जो उनकी दादी है वो सोचती है कि मैं हामिद को उनके बच्चे को वो अकेले ईदगाह कैसे जाने दे सकता है, क्योंकि एक तो उनके पैरों में जूते भी नहीं है और तीन कोस पैदल रास्ता है और इतनी भीड़ भाड़ में कहीं वो खो गया तो, इस तरह से वो उनकी चिंता है वो करती है। लेकिन हामिद है वो भीतर आता है यानी कि उनके घर में आता है और उनकी दादी से कहता है, क्या कहता है, तो कि तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा, कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सबसे पहले वापिस है वो आ जाऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अब गांव से मेला चला यानी कि गांव से मेला यानी कि सभी लोग गांव के जो सभी लोग हैं वो कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो कि ईदगाह जाने के लिए, यानी कि सभी लोग वो ईदगाह जाने के लिए तैयार है, तो सभी लोग ईदगाह जा रहे हैं
और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा है कि ये जो सब लोग है गांव के जो सभी लोगों है उन लोगों के साथ हामिद है वो भी ईदगाह जाने के लिए तैयार है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता कि हामिद है वो क्या उनके पैर में जूते नहीं है तो वो क्या करता है कि वो सबसे पहले दौड़कर आगे निकल जाता है, बाद में वो थोड़ा रुक जाता है यानी कि जो उनके पीछे जो सभी व्यक्ति है वो आते हैं उनकी राह है वो देखता है। तो कभी कभी वो दौड़कर आगे निकल जाता फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार है वो करता कि पहले सबसे आगे निकल जाता और उनके बाद उनके जो पीछे लोग आ रहे हैं उनका इंतजार हामिद है वो करता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं कि हामिद तो इतना खुश है ईदगाह जाने के लिए मानो उनके पैरों में पर यानी कि उनके पैरों में पंख लग गए हो और वो बहुत ही उतावला हो रहा है ईदगाह जाने के लिए। वो कभी थक सकता है कि वो क्या थक सकता है क्योंकि वो इतना उत्साही है उतना प्रसन्न है जाने के लिए कि थकान क्या है वो उसे पता ही नहीं। तो यहाँ पे जो उनकी दादी है जो वो चिंता क्या करती है वो व्यर्थ चिंता करती हुई हमें दिखाई देती है क्योंकि हामिद है वो इतना खुश है ईदगाह जाने के लिए कि उन्हें किसी भी चीज की थकान है वो नहीं लगती और सबसे पहले वो आगे है वो निकल जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अब जब वो सब लोग गांव से ईदगाह जा रहे हैं तो उस रास्ते में क्या क्या आता है तो कि सबसे पहले बड़ी बड़ी इमारतें है वो आती है, उसके बाद अदालत कॉलेज कलाघर वो सब आते हैं। तो उसके बाद जब वो आगे चलते हैं तो वहां पे हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई कि जब गांव से ईदगाह का जो रास्ता है तो उस रास्ते के बीच में अलग अलग चीजें है वो आती है जैसे कि बड़ी बड़ी इमारतें कॉलेज अदालत कलाघर और ये सब खत्म होता है। उसके बाद क्या शुरू होता है तो के हलवाइयों की दुकान हलवाई यानी कि मिठाई तो मिठाइयों की दुकान है वो शुरू हो जाती है। आज खूब सजी हुई थी कि जो मिठाइयां यानी कि हलवाइयों की जो दुकानें हैं वो आज खूब सजी हुई थी यानी कि अलग अलग प्रकार की मिठाइयां बनकर वहां पे रखी हुई थी। ये सब भी हम लोगों ने देखा होगा कि अब जब हम देखते हैं कि हमारा जो त्योहार है सातम आठम का वो आएगा तो वहां पे भी हलवाइयों की दुकान पे अलग अलग तरह की नई नई जो मिठाइयां है वो मिलती है। दिवाली के त्योहार पे भी हमें ये सब देखने को मिलता है। तो आज जो मिठाइयों की दुकान है वो बहुत अच्छी तरह से सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है देखो ना एक एक दुकान पर मनो होगी कि वो सोचता है कि इतनी मिठाइयां कौन खाता होगा। सभी दुकानों पर एक एक मनो यानी कि मन यानी कि बहुत सारे लोग तो एक एक दुकान पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है वो दिखाई देती है। तो हामिद सोचता है कि इतनी मिठाई है वो कौन खाता होगा। सहसा ईदगाह नजर आई इमली के घने वृक्षों की छाया है नीचे पका फर्श है उन पर जाजिम बिछी हुई है कि इस तरह से सब पूर्ण होता है यानी कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं कलाकार है अदालत है और मिठाइयों की दुकान है वो सब खत्म होता है। और जब वो आगे चलते हैं तो अचानक सहसा यानी कि अचानक तो अचानक ही उन लोगों को ईदगाह है वो नजर आती है। अब ईदगाह की जो जगह है वो कैसी है तो के इमली के घने वृक्ष की छाया है कि जो इमली का बड़ा बहुत बड़ा वृक्ष है वहां पे ईदगाह है। तो इमली के घने वृक्ष की छाया है और नीचे पक्का फर्श है पक्का फर्श यानी कि नीचे जो लादी है वो बिछाई हुई है तो पक्का फर्श है और उस पर जाजिम बिछी हुई है जाजिम यानी कि पाथरनु यानी कि कोई भी चादर है जो बहुत लंबी होती है तो इस तरह से उन फर्श पर जाजिम है वो बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है कि जो लोग
जिन लोगों ने रोजा रखा है वो लोग आज रोजा है वो पूर्ण करते हैं। तो जो रोजेदारों की पंक्तियां, पंक्तियां यानी कि लाइन, जो सब एक लाइन में खड़े होते हैं उसे पंक्तियां कहते हैं। तो रोजेदारों की जो लाइन है वो एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली हुई है, यानी कि बहुत बड़ी लाइन है वो हमें दिखाई देती है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता कि जो ईदगाह की जगह है यहाँ पर कोई धन और पद नहीं देखता, यानी कि सभी लोग एक समान है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई उच्च अधिकारी नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, सभी लोग एक समान है और एक समान साथ में बैठकर जो नमाज है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोई किसी कोई पद और धन है वो नहीं देखता, सभी लोग एक ही समान है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। अब जो नमाज पढ़ने की जगह होती है वहाँ पे सिर्फ एक गांव के नहीं किंतु सभी आसपास के सभी गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं। तो जो हामिद के गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं कि पहले ही उन्होंने देखा कि बहुत तो सारे लोग हैं वो पंक्तियों में यानी कि लाइन में खड़े हुए हैं और अब उनके गांव के लिए लोगों है उन्होंने भी वजू किया। वजू किया यानी कि नमाज पढ़ने से पहले जो हाथ पग धोने की क्रिया है उसे वजू है वो कहते हैं। तो वो सब लोगों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, यानी कि जो पिछली लाइन है उसमें सभी लोग खड़े हो जाते हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था कि ईदगाह में जो ईद नमाज जो सभी लोग पढ़ रहे हैं तो उनका संचालन बहुत ही अच्छा और सुंदर है। हजारों शेर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं कि हजारों शेर यानी कि हजारों लोगों है वो एक साथ अपना सर है वो झुकाते हैं। ये सब भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब नमाज पढ़ते हैं तो सभी लोग एक साथ अपना जो सर है वो जमीन पर अड़ाते हैं और उसके बाद सभी एक साथ खड़े होते हैं। तो ये जो पूरा दृश्य है वो दिखाने की कोशिश हमें की गई है कि सभी लोग हजारों सिर एक साथ झुकते हैं और फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है कि ये जो पूरा दृश्य है वो दृश्य ऐसा दिखाई देता है कि मानो सभी लोगों में भातृत्व की भावना यानी कि भाईचारे की भावना है वो दिखाई देती है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं कि जो नमाज पढ़ने का समय है, जो नमाज है वो खत्म हो गई है और सभी लोग अब क्या करते हैं तो के सभी लोग एक दूसरे से गले है वो मिलते हैं, यानी कि ईद की बधाइयां एक दूसरे को दे रहे हैं। अब मिठाइयां और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है कि अब जब नमाज खत्म हो गई है और सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं तो उसके बाद क्या होता है तो के सभी लोग बच्चे बूढ़े और युवा सभी लोग क्या करते हैं तो सबसे पहले मिठाइयां और खिलौनों की दुकान पर धावा यानी कि इकट्ठा होना, बहुत ज्यादा लोग है वो हुमला करते हैं। तो इस तरह मिठाइयां और खिलौनों की दुकान पर हुमला है वो होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं है कि ग्रामीणों का जो दल है यानी कि जो ग्रामीण के युवा है या फिर बूढ़े लोग है वो भी बहुत उत्साही है खिलौनों की दुकान और मिठाइयों की दुकान पे जाने के लिए। तो बच्चों के साथ साथ युवा है वो भी इतने ही उत्साही है। यह देखो हिंडोला है, यह देखो जो ईदगाह है वहां पे मेला भी रचाया हुआ है। तो मेले में हम सब ने मेला देखा ही होगा कि अलग अलग तरह की जो खटोला होता है वो होता है, हिंडोला होता है, चकेड़ी होती है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की राइड्स है वो होती है। तो उनमें से एक राइड है जिनका नाम है हिंडोला। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ कि जो हिंडोला है उनमें बैठने की कीमत के कितनी है तो सिर्फ एक पैसा ही है। तो जो मेला जमा हुआ है वहां पे हिंडोला है और वहां पे बैठने की कीमत कितनी है तो सिर्फ एक पैसा। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए कि जो हिंडोला है वो ऊपर से नीचे है जाता है और ये भी हम सब ने देखा ही है। तो इस तरह से
जो हिंडोला है वो कभी आसमान पर ऊपर जाते हुए दिखाई देता है और कभी कभी जमीन पर नीचे गिरते हुए दिखाई देता है। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए है। जो दूसरी राइड से वो कौन सी है, तो के चरखी है। चरखी यानी कि जो गोल गोल घूमती है उसमें कई अलग अलग जो प्राणी होते हैं वो लगाए होते हैं, जैसे कि लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट। वो सबको एक छड़ो यानी कि कड़ी कड़ी से उसमें बांध दिया जाता है और बच्चे उन पे बैठकर गोल गोल है वो घूमते हैं। आपने भी ये सब भवनाथ के मेले में या फिर जो भूतनाथ के मेले में ये सब चरखियां होती है तो वो आप सबने देखी होगी। तो इस तरह की चरखियां है वो मेले में है। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। तो जो चरखी है उसमें बैठने की कीमत भी कितनी है, तो के उसमें बैठने की कीमत भी सिर्फ एक ही पैसा है। तो एक पैसा दो और 25 चक्करों का मजा लो, यानी कि 25 चक्कर है वो उसमें बैठकर हम लगा सकते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। कि हामिद के जो दोस्त है महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, वो सभी लोग एक एक पैसे देकर ये जो घोड़े है यानी कि जो चरखी है उस पे सभी लोग बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है। जो हामिद है वो चरखी पे नहीं बैठता, वो इन सब लोगों से दूर खड़ा है। तीन पैसे तो उनके पास है, क्योंकि हामिद के पास कितने पैसे हैं, तो सिर्फ तीन ही पैसे हैं। और उनके जो मित्र है महमूद है, मोहसिन है, उन सबके पास ज्यादा पैसे है, यानी कि किसी के पास 12 पैसे है, किसी के पास 15 पैसे है। वो सब लोग है वो एक पैसा ऐसे चरखी में बैठने में व्यर्थ है वो कर सकते हैं, लेकिन जो हामिद है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास सिर्फ तीन पैसे ही है। तो हामिद है वो इन सब लोगों से दूर खड़ा है, और क्योंकि उनके पास सिर्फ कितने पैसे है, तो कि तीन पैसे है। अपने कोष का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कि अपना जो कोष है, कोष यानी कि खजाना और तिहाई यानी कि पैसा, के उनके पास सिर्फ तीन ही पैसे है फिर भी वो उसे खजाना मानता है। तो वो सोचता है कि मैं अपने खजाने का एक पैसा है वो इस तरह सिर्फ कुछ चरखी में बैठकर सिर्फ चक्करों का मजा लेने में मैं अपना पैसा वो बर्बाद है वो नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए वो चरखी पे नहीं बैठता। अब आप सोचो बच्चों कि आप अगर हामिद की जगह होते तो आप क्या करते, आपके पास कम पैसे है तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या आप हामिद की तरह उसे बचाने की सोचते या फिर अपनी जो ख्वाहिश है उसे पूरा करने में सोचते? तो इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि हामिद है वो अपनी बाल सहज मनोवृत्ति से बहुत ऊपर की सोचता है, क्योंकि बालक का स्वभाव है कि मान लो कि उनके पास कितने भी पैसे हो, 2 रुपये हो, 3 रुपये हो या फिर 5 रुपये हो, पर वो खर्च किस में करता है, तो कि अपनी खुशी में वो खर्च करता है। कोई भी खाना खाता है अच्छा, या फिर खिलौना खरीदता है, तो वो अपनी खुशी के बारे में सोचता है। लेकिन हामिद है वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि गरीबी है वो बच्चों को अपनी उम्र से जरूरत से ज्यादा ही बड़ा है वो बना देती है। तो इस तरह से हामिद है वो अपनी इच्छाओं को दबाकर वहां ऐसे ही खड़ा रहता है। सब चरखियों से उतरते हैं, कि उनके जो सभी मित्र है जो चरखी में बैठे हैं तो वो सब चरखी से नीचे उतर जाते हैं। खिलौने लेंगे, कि चरखी में बैठने के बाद अब सब उनके मित्र क्या करेंगे, तो कि अब सब खिलौने है वो खरीदेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, कि यहाँ पे भी खिलौनों की कतार यानी कि लंबी लाइन है वो लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, अब स्वाभाविक है कि खिलौनों की दुकानें होगी तो अलग अलग तरह के खिलौने है वो होंगे। तो अलग अलग तरह के खिलौने हैं, तो उनमें कौन कौन से खिलौने हैं, तो के सिपाही और गुजरिया। गुजरिया यानी कि जो शाक भाजी बेचते हैं उन्हें गुजरिया कहते हैं, यानी कि शाक भाजी बेचने वाली स्त्री। तो सिपाही और गुजरिया है, राजा और वकील है, पिस्ती और धोबिन है। तो ये सारे खिलौने वो खिलौनों की दुकान में है। वह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं,
कि ये जो सब खिलौने हैं वो दुकान पर ऐसे पड़े हुए हैं, तो वो खिलौने कैसे लगते हैं? मान लो कि अभी वो कुछ बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। अब जो हामिद का मित्र है महमूद, वो कौन सा खिलौना खरीदता है? तो के वो एक सिपाही है, वो लेता है। अब वो सिपाही दिखने में कैसा है? तो के उस सिपाही ने खाकी वर्दी पहनी है और उसने अपने सिर पर लाल पगड़ी है वो पहनी है, कंधे पर उसने बंदूक रखी हुई है, और मानो अभी कवायद यानी कि परेड जो पुलिस लोग करते हैं वो परेड, तो वो परेड करके मानो अभी चला आ रहा है, ऐसा वर्णन यहाँ सिपाही का किया गया है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। अब जो उनका दूसरा मित्र है मोहसिन, उसको क्या पसंद आता है? तो उसको भिस्ती है वो पसंद आता है। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है कि जो भिस्ती है वो कैसा दिखता है, तो उनकी कमर झुकी हुई है और उसने मशक यानी कि चमड़े का थैला, उसने अपने पीठ पर चमड़े का थैला है वो लिया हुआ है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है कि जो मशक यानी कि चमड़े का जो थैला है उसका मुंह यानी कि उस थैले को उसने एक हाथ से पकड़कर रखा है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, कि वो जो भिस्ती है वो इतना प्रसन्न दिखाई देता है, या मान लो कि वो कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है, कि बस जो मशक है यानी कि उसके हाथ में जो चमड़े का थैला है उसमें पानी भरा हुआ है और वो पानी मानो अभी कहीं डालना चाहता है। तो इस तरह का वर्णन वो भिस्ती का किया गया है।